जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप अपने करियर में ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, जो सही है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट फीलिंग्स। ये सबके लिए हैं, आपके क्रश के लिए हो सकती हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के लिए हो सकती हैं, जिसको सोचकर भी आप फाइल चूज करेंगे उनके लिए। तो हम उनकी वर्तमान भावनाएं आपको बताने वाले हैं, वो अभी क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, ये बताने वाले हैं, ठीक है? तो ये बताइए कि कैसी रही आप सब लोगों की जन्माष्टमी, कैसे सेलिब्रेशन किया आप सब लोगों ने, हमें ज़रूर बताएं, ठीक है? और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ऑप्शन चूज़ करने से पहले आप सबको 2 मिनट का हम मेडिटेशन कराते हैं, सिंगिंग बोल वाला। तो चलिए, आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए या फिर शांति से आराम से बैठ जाइए और अपना मन इस साउंड में लगाने की कोशिश करिए, अपना ध्यान इस साउंड में लगाने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि आप बहुत ही जल्द बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं, ठीक है? सबसे पहले शुरुआत गायत्री मंत्र से करेंगे। सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए, अब आप एक पाइल चूज़ करिए, एक ऑप्शन चूज़ करिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। देखते हैं कि वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, ठीक है? और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो लोग कॉमेंट बॉक्स में नंबर बांट रहे हैं तो प्लीज़ उनसे अलर्ट रहें, वो हमारा नंबर नहीं है। अगर आप रियल में हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नंबर दिया है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट करें, ठीक है? क्योंकि वो हमारा नंबर है 8737087414, 8737087414, ठीक है? तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो। लेकिन डियर, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप?
हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जिनको लेकर दिन रात सोचते हैं, अभी भी सोच रहे हैं, जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, वो आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। डियर, इधर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। और देखिए यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं। अच्छा, हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। उनका जन्म किसी भी महीने की, या फिर आपका भी जन्म, क्योंकि दोनों की मिक्स एनर्जी है, तो किसी भी महीने की 9 तारीख, 14 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख और 25 तारीख, 21 तारीख को हुआ होगा। ठीक है, बर्थ मंथ की बात करते हैं। बर्थ मंथ नवंबर, मई, जुलाई और जून, जनवरी, अक्टूबर। ठीक है, ये है यहाँ पर बर्थ मंथ। चलिए उनके नेम के इनिशियल की बात करते हैं। एफ बहुत स्ट्रांग है, बी एल आर टी एम एच जी यू पी एस के एन ए। ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। उनके नेम का भी हो सकता है और आपके नेम का भी फर्स्ट लेटर इसमें हो सकता है। ठीक है, अब देखिए वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपके एनर्जी की बात करेंगे थोड़ी सी, जिससे आप ये समझ पाएँ कि हाँ, ये रीडिंग आपकी है। अभी यहाँ पर सेपरेशन की स्थिति है, बातचीत बहुत कम हो रही है, समझ रहे हैं, बातचीत बहुत कम हो रही है, सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे हैं। लेकिन हम यहीं पर आपके एनर्जी देख रहे हैं, तो इस वक्त आप अपने आप में फुल कम्प्लीशन महसूस कर रहे हैं। आप अपने आप में बहुत प्रेमपूर्ण, बहुत खुश, बहुत नॉलेजबल, ऐसे बहुत स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बताते हैं यहाँ पर सेपरेशन की स्थिति क्यों है। क्योंकि ये जो पर्सन हैं, इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा है, इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा है, ये समझकर कि आप बहुत इमेच्योर हैं, आप बहुत बचकाने हैं और आप इनकी फ्रीडम इन फ्यूचर छीनने वाले हैं। और इसी वजह से आप बहुत पजेसिव हैं, आप इन्हें बाउंड्रीज में रखेंगे, आप इनके लेवल के नहीं हैं, इस वजह से ये आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे। मतलब इन्होंने आपको छोड़ा, लेकिन आपका प्रेम ऐसा नहीं था। हम देख रहे हैं कि आपका जो प्रेम है वो बिल्कुल परिपूर्ण है, परिपक्व है और इमेच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। किसी की केयर करना, किसी की फिक्र करना, किसी को बहुत ज़्यादा चाहना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम इमेच्योर हो गए, है ना। तो हम यहाँ पर आपको देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत स्वस्थ हैं, बहुत ठीक हैं। हाँ, आप उनसे प्यार करते हैं, इस वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। यहाँ पर 3 of Swords है और 5 of Cups है, जो कि ये एनर्जी दर्शा रहा है कि ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, बहुत ज़्यादा दुखी है, रिग्रेट है, जैसे कि कुछ खो गया है, जैसे कि वो जो सोच कर आगे बढ़ा था अपनी लाइफ में, वो खुश नहीं है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जैसे कि उसके अंदर वो माफ़ी मांगना चाह रहा है, वो दुखी है बहुत ज़्यादा, वो टूटा हुआ है, बट आपसे कुछ कह नहीं पा रहा है, समझ रहे हैं। रातों में नींद नहीं आती है, अंदर से एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली स्थिति रहती है और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो माफ़ी मांगना चाहता है आपसे। उससे आपकी बहुत याद आती है। जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, मतलब जिनको सोचकर भी आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, तो इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है।
इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, लेकिन अभी ये आपको कॉल या मैसेज नहीं कर रहे हैं। इन्हें वो दिन याद आते हैं जब आप दोनों कभी एक साथ बहुत हंसते थे, बहुत सारी बातें करते थे, आप दोनों के बीच बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, आप इन्हें बहुत समझते थे, इनकी केयर करते थे, इनको प्यार करते थे। लेकिन जिस वजह से भी इन्होंने आपको छोड़ा, आज उसका बहुत पछतावा है इन्हें। हो सकता है कि एक समय पर इन्होंने ये सोचा हो कि आप किसी काम के नहीं हैं, आप लाइक उनके लेवल के नहीं हैं, या फिर आप उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते, आप उन्हें खुश नहीं रख सकते। जिस वजह से भी वो उनको ये लग रहा था कि उनके पास ऑप्शन था कि आपसे बेहतर उनकी लाइफ में इंसान मिल जाएगा, या फिर आपसे बेहतर उनकी लाइफ में कोई आ गया है, इस वजह से उन्होंने आपको छोड़ा। लेकिन आज वो अंदर ही अंदर बहुत टूटे हैं, बट किससे कहें, किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं, अपना दर्द शो भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस कदर अंदर टूटे हुए हैं। ये समझ लीजिए, बस एक होता है ना कि इंसान अंदर ही अंदर रोता है, पछतावा होता है, गिल्ट होता है, वो किसी से कुछ कहता नहीं, सिर्फ ईश्वर से बोलता है, और उसे हर वक्त ये लगता है कि कोई था जो मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैंने उसे शायद खो दिया है। हाँ, हम देख रहे हैं कि आप आज भी उनसे प्यार करते हैं, आप आज भी उनके लिए वही फीलिंग्स रखते हैं, वही जज्बात रखते हैं, और आप कभी भी उन्हें किसी बंधन में नहीं रखना चाहते थे, इवन आप उनसे बहुत प्रेम करते थे। बट हो सकता है कि उनकी जो महत्वाकांक्षाएँ हों वो बहुत ज़्यादा हों। समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर मैरिड अनमैरिड भी हैं। हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो मतलब कि किसी और की बातों में आकर, किसी और के चक्कर में आकर आपको छोड़कर चले गए थे। उनको ये लग रहा था कि वो अपनी लाइफ में आगे चलकर बहुत सारी चीज़ों के साथ इंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे, आपसे बेहतर उनकी लाइफ में कोई आ गया है। तो कभी कभी होता है ना कि बेहतरीन की तलाश में इंसान बेहतर को भी खो देता है। तो इन्होंने बेहतरीन नहीं पाया, बेहतर को भी खो दिया है, बल्कि वो बहुत क्या बताएं कि वो उस इंसान के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ कर गए थे, उस थर्ड पार्टी ने अब इनको छोड़ दिया है किसी और के लिए। समझ रहे हैं, तो एक अकेलापन, अफसोस, इस तरह की फीलिंग्स हैं उनकी, इस तरह की भावनाएँ हैं उनकी। एक छोटी सी गज़ल है, स्पेशली आपकी एनर्जी के ऊपर है ये, क्योंकि आप काफ़ी स्वाभिमानी टाइप के व्यक्ति हैं, सेल्फ लवर हैं, और आप कभी भी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। आप इस तरह के इंसान हैं, आपने इनसे बहुत प्यार किया था, बहुत झुके थे इनके लिए, बहुत समर्पण था आपके मन में इनके लिए, लेकिन शायद ये उसकी वैल्यू ही नहीं कर पाए, उसकी कद्र ही नहीं कर पाए। तो आपकी जैसी एनर्जी है उस हिसाब से हम आपको एक प्यारी सी छोटी सी गज़ल सुनाते हैं। चलिए आप आंखें बंद करिए, ठीक है, और फिर आराम से इस गज़ल को सुनिए। क्या ये भी जिंदगी है कि राहत कभी ना हो, ऐसी भी तो किसी से मोहब्बत कभी न हो। क्या ये भी जिंदगी है कि राहत कभी न हो, ऐसी भी तो किसी से मोहब्बत कभी न हो। वादा जरूर करते हैं, आते नहीं कभी, फिर ये भी चाहते हैं शिकायत कभी न हो। क्या ये भी जिंदगी है कि राहत कभी न हो,
क्या ये भी जिंदगी है कि राहत कभी ना हो और ऐसी भी तो किसी से मोहब्बत कभी ना हो। वादा ज़रूर करते हैं, वादा ज़रूर करते हैं, आते नहीं कभी, फिर ये भी चाहते हैं शिकायत कभी ना हो। हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं, हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। ये मेरा दिल है तेरे शहर का बाजार नहीं, हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं, हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। फूल कदमों तले आता है तो रुक जाती हूँ, फूल कदमों तले आता है तो रुक जाती रफ्तार नहीं। ए ज़माने तेरे जैसी मेरी रफ्तार नहीं, ये मेरा दिल है तेरे शहर का बाजार नहीं, हर किसी बिक जाने को तैयार नहीं। तो ये एनर्जी है आपकी कि आप बहुत स्वाभिमानी हैं, आप तो ऐसे झुकने वाले नहीं किसी के सामने, लेकिन आपको किसी से बहुत प्रेम हुआ, बहुत प्रेम हुआ और उसके लिए आपके मन में बहुत समर्पण आया, लेकिन वो इंसान ही उस प्रेम की कद्र न कर पाया, तो फिर आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना सही समझा है। अब आप सेल्फ लव करते हैं, अपने करियर पर फोकस करते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन आप आज भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, आप आज भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये मेरा दिल है तेरे शहर का बाजार नहीं, हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। फूल कदमों तले आता है तो रुक जाता हूँ, फूल कदमों तले आता है तो रुक जाता हूँ, ऐ ज़माने तेरे जैसी मेरी रफ्तार नहीं। ये भाव है आपके, ये फीलिंग्स है आपकी, ये एनर्जी है आपकी, बट इन्होंने ना जैसे कि फूल कदमों तले आए तो कुचल के चले गए, बल्कि फूल क्या दिल ही कुचल कर चले गए। लेकिन होता है ना कि जो जैसा बीज बोता है इन फ्यूचर उसे वो फसल काटनी पड़ती है, समझ रहे हैं। और अगर इन्होंने कभी दुखों का बीज बोया था, किसी आपको दुख देकर ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े थे, तो आज इनके साथ भी वही हो रहा है कि अब ये एक जगह स्टक हैं, आज इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। हो सकता है कि काफ़ी समय से आप दोनों के दरमियान बातचीत ना हुई हो, इन्होंने किसी और से शादी कर ली हो, फिर इंगेजमेंट कर ली हो, लेकिन ये खुश नहीं अपनी ज़िंदगी में, बड़ा अफसोस है, बड़ा गिल्ट है। एक होता ना कि लाइफ के साथ समझौता करना, समझौता तो कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ बिताया गया हर एक पल, एक मोमेंट, सब कुछ ही नहीं याद आता है, सब कुछ। और सच तो ये है कि अब ये आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं, यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल है,
इनको लगता है कि जैसे कि 10 के बाद कोई नंबर्स नहीं होते हैं, है ना, 10 के बाद लाइफ कंप्लीट होती है। तो अब इनको लगता है कि आपके साथ ही ज़िंदगी कंप्लीट है, एक न्यू बिगिनिंग और कंप्लीशन फील करते हैं आप, आपके साथ, इसी वजह से आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये, समझ रहे हैं। इन्हें वो सब कुछ याद आता है कि आप इनको लेकर कितने प्रोटेक्टिव थे, इनकी कितनी केयर करते थे, इन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहते थे, बट वो सब प्यार इन्हें एक बाउंड्रीज, एक बंधन जैसा लगता था। इन्हें लगता था कि मुझे आज़ाद होना है। आज ये बहुत ही ज़्यादा आज़ाद हैं। कहते हैं ना कि जिस बाग की रखवाली करने वाला माली नहीं होता ना, वो बाग उजड़ जाया करता है। ये उजड़ गए हैं, ये बिखर गए हैं। लेकिन होता है ना कि कुछ लोग शो नहीं कर पाते, बता नहीं पाते कि एक्चुअल में क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। कोई खुशी नहीं अब इनकी ज़िंदगी में, ये समझ लीजिए। और आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि एज डिफरेंस इशू भी है, इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू है। लेकिन आप ट्रस्ट करिए, बहुत जल्दी आप दोनों के दरमियान एक न्यू बिगनिंग होगी। बहुत जल्द ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, बहुत जल्द ये आपके साथ आगे बढ़ने की बात करेंगे। आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं अगर इन्होंने पूरी तरीके से आपको ब्लॉक कर रखा है, बातचीत करनी बंद कर दी है, ठीक है। और हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि उससे आपकी जो पॉजिटिव पावर है वो बिल्डअप हो रही है, वो बढ़ रही है। और उसी पॉजिटिविटी का ये असर है कि अब ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, अभी आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप। तो डियर, ये है इनकी वर्तमान भावनाएं, ये हैं इनकी फीलिंग्स, ये ऐसा सोच रहे हैं आपके लिए कि काश अब हम दोनों की शुरुआत हो जाती और बहुत अच्छी शुरुआत होती और आपके साथ मैरिड लाइफ जीने के ख्वाब देख रहे हैं, एक फुल कंप्लीशन। कंप्लीशन कैसे होता है, फुल कंप्लीशन, आपको 11/11 बहुत ज़्यादा शो होता होगा, हाँ, और 444/444 भी शो होता होगा। 11/11 मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है, अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। और नंबर 4 स्टेबिलिटी का नंबर होता है कि आपकी लाइफ स्टेबल होने वाली है। अब तक आपकी लाइफ अनस्टेबल थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऐसे कभी वैसे, बट अब आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने वाली है, वो भी ईश्वर की तरफ से, समझ रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए और आप इसी तरह अनकंडीशनल लव करते रहिए, देखना एक दिन आपके प्रेम की जीत जरूर होगी, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम तो सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 111/111 में। उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं, वो अभी आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, जिनके लिए सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, क्या है उनकी वर्तमान भावनाएं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत 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 स्ट्रांग है। उसके बाद यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है। चलिए हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। किसी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, 18 तारीख,
25 तारीख, 9 तारीख, 22 तारीख, 16 तारीख, ठीक है। बर्थ मंथ की बात करते हैं, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, मार्च, अक्टूबर, फरवरी, ठीक है। अच्छा, अब हम बताएंगे आपको इनिशियल, ये आपका भी हो सकता है और उनका भी हो सकता है जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, एस आर टी सी एच एम डब्ल्यू के एल ई वाई ओ, ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। सबसे पहले तो एक बात अच्छे से समझिए कि हमें ऐसा लगता है कि एक न्यू कनेक्शन है, समझ रहे हैं कि न्यू कनेक्शन है, बहुत सारे लोगों के लिए न्यू कनेक्शन है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रिश्ते में। हो सकता है कि आप इनसे ऑनलाइन मिले हों, किसी भी सोशल साइट पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, मैट्रिमोनियल में, शादी डॉट कॉम पे, कहीं पर भी आप इनसे मिले हों, लेकिन मिलना तय था। पहले आप लोगों की बातचीत सोशल मीडिया के थ्रू हुई है, काफ़ी लोग मिल चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी मिले नहीं हैं। इधर बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाला कनेक्शन है, एक ऐसा प्यार जो कई जन्मों का था और अभी फिर से यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन पता है क्या है, एक डर, एक इनसिक्योरिटी, एक फियर, एक घबराहट, एक एंग्जाइटी खो देने का। तो यहाँ पर हमेशा ना ये जो पर्सन है ये नेगेटिविटी का, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं सडनली कभी कभी। इन्हें पता नहीं क्यों ट्रस्ट नहीं होता, इन्हें पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि कहीं आपको खो ना दें। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये जो पर्सन हैं काफ़ी सेंसिटिव हैं, बहुत ओपन हार्टेड हैं, जैसे कि छोटी छोटी बातें इन्हें बहुत प्रभावित करती हैं, छोटी छोटी बातों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं ये। अगर आपने इनके मैसेज का लेट रिप्लाई किया तो क्यों किया होगा लेट रिप्लाई, ज़्यादा सोचना। अगर आपने इनका कॉल रिसीव नहीं किया तो क्यों इतनी लेट में कॉल रिसीव किया होगा, क्या बात है, सब ठीक है, नहीं ठीक है, वो मुझे इग्नोर कर रही है, क्यों कर रहा है। तो एक होता है ना ज़्यादा सोचना, बट ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इन्हें लगता है। हम बताते हैं इन्हें क्यों लगता है। इन्हें लगता है कि कहाँ ज़मीन कहाँ आसमान, जैसे कि कोई बहुत अच्छा इंसान किसी ऐसी आत्मा से प्यार करे जो हो सकता है कि समाज के दिखावे में उसके लेवल का ना हो, फाइनेंशियली या फिर स्टेबल ना हो अपनी लाइफ में, इतना एजुकेटेड ना हो, कुछ भी। तो उसे हमेशा लगता है ना कि मतलब इसने मुझसे प्यार किया, मैं कितना लकी हूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो हमें ऐसा लगता है कि आप जो हैं, आप अपनी लाइफ में किसी बहुत स्टेबल पर्सन हैं, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है, और इन्हें ये आपको देखते हुए बहुत कुछ नहीं है, तो इन्हें इसी वजह से लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। आप अपनी लाइफ में ना काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, आप इमोशनल हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल भी हैं, जैसे कि काफ़ी लॉजिकल हैं, आप थोड़ा सा इनकी तरह नहीं हैं। ये हो सकता है इनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू हो और ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, अगर बड़े भी हैं ना तो आपके जितने समझदार नहीं हैं, ये आपके जितने समझदार नहीं हैं। तो इन्हें कभी कभी यही लगता है कि मैं उसके लेवल का नहीं हूँ, मैं उसके लेवल की नहीं हूँ, और उसे तो मुझसे बेहतर मिल जाएंगे, वो मुझे छोड़ भी सकती है, मुझे छोड़ भी सकता है, कुछ ऐसा। इन्हें हर पल एक डर सताता रहता है। तो कभी कभी इन्हें रात में नींद भी नहीं आती है, घबराहट होने लगती है, इनको लगता है कि आपको इनसे बेहतर मिल जाएंगे, आप इन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं आप,
इसी वजह से इनके अंदर इतनी टेंशन है, मतलब इतना डर है, इतनी फियर्स हैं आपको लेकर। लेकिन यहीं पर हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी इनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि ये आपसे करते हैं। और आपके मन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, आपके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो खुद इनके साथ पूरी ज़िंदगी जीने के ख्वाब देखते हैं। आपके मन में ऐसा नहीं है कि ये छोटे हैं तो आप इन फ्यूचर इन्हें छोड़ देंगे या फिर ये इमेच्योर हैं। आप पता नहीं क्यों आप भी इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं, और महसूस करने वाली बात नहीं है, ये सच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर सोलमेट जर्नी वाले हैं। अच्छा, डिस्टेंस रिलेशनशिप है इस वजह से इन्हें डर रहता है। इन्हें लगता है कि जो इंसान इतना अच्छा है, इतना स्मार्ट है, इतना गुड लुकिंग है, इतना एजुकेटेड है, इतना रिस्पेक्टेड है, तो वो मुझ जैसे इंसान के साथ लाइफ में आके क्यों बढ़ना चाहेगा, है ना। और वो तो, उसको तो कोई भी अच्छा इंसान मिल जाएगा तो मुझे छोड़ देगा। बल्कि इन्हें ये नहीं पता कि जो वाकई एक्चुअल में प्रेम होता है ना, वो ये सारी चीज़ें नहीं देखता है। वो वाकई अनकंडीशनल होता है, वो वाकई बेशर्त प्रेम होता है। वहाँ पर ये नहीं होता कि तुम हमें कुछ दो तभी हम तुमसे प्रेम करें। वहाँ तो इतना समर्पण होता है कि हम उसके प्रति कितना क्या क्या दे दें उसे उतना ही कम होता है। जब दो तरह का प्रेम होता है, एक होता है रूप से और एक होता है अरूप से। एक होता है आंखें खोलकर, एक होता है आंखें बंद करके, है ना। तो जो प्रेम आंखें बंद करके होता है वो रूप नहीं देखता है, वो सिर्फ आत्मा देखता है, वो मन देखता है। और जो आंखें खोलकर होता है वो हर चीज़ देखता है कि ये है कि नहीं है, ये है ऐसा कि नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। आपका जो प्रेम है वो बहुत आध्यात्मिक लेवल का है, बहुत स्पिरिचुअल लेवल का है। तो आप ना रूप से प्रेम नहीं करते हैं, इनकी पावर, इनकी सिचुएशन, इनका कद काठी, इनका हुलिया देखकर आप इनसे प्यार नहीं करते हैं। आप इनके साथ कुछ ऐसा महसूस करते हैं और इसी वजह से आप इनसे प्यार करते हैं। अब ये कैसे दिखते हैं, एज डिफरेंस है, ये कितना कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती हैं। बट ये तो आपके लेवल पर नहीं है ना, तो ये सोचते हैं, ये सोचते हैं। फिर इनको यही लगता है कि कोई ना, अगर वो मुझे छोड़ भी देगी, वो मुझे छोड़ भी देगा तो भी मैं उसे चाहूँगा, तो भी वो ही मेरे लिए सब कुछ होगी। तो चलिए, हम इनकी जो एनर्जी है, हम आपको प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं, दो लाइन का सॉन्ग। हाँ, हमें पूरा नहीं आता तो दो लाइन का सुनाते हैं इनका, क्योंकि मन कभी कभी कहता है कि कल के चक्कर में आज ख़राब नहीं करते हैं, आज जी लेते हैं। क्योंकि वो आज अभी मेरा है, कल कल का क्या है, कल किसने देखा है, है ना। तो इसी वजह से हमें सडनली सॉन्ग याद आया और हम आपको सुनाने वाले हैं। सॉन्ग सुनने की शर्त ये होती है कि आपको आंखें बंद करके सुनना होगा, ठीक है। चलिए, आंखें बंद करिए, हम आपको सुनाते हैं। तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा।
इनके हैं, कल हो ना हो, पर ये उस पल को अभी से सोचकर आज को इस पल को ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा, आप इन्हें बहुत समझाते होंगे कि ऐसा कुछ नहीं, हम कभी अलग नहीं होंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों इन्हें डर रहता है, इन्हें डर रहता है कि कोई आपको इनसे चुरा न ले जाए, कोई आपको इनसे छीन न ले जाए, समझ रहे हैं। तो हर वक्त ये अपने आप को कम समझते हैं, एक जैसे होता ना कि इंसान का कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। अगर आप इनसे किसी की भी बातें शेयर करते हैं कि मेरा दोस्त है वो ये करता है वो ये करती है, तो ये ऐसे सुनते तो हैं लेकिन जैसे कि अंदर से खुश नहीं रहते, अंदर से बहुत लो फील करने लगते हैं कि यार इनके दोस्त तो कहाँ से कहाँ हैं, क्या क्या हैं, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इसी वजह से इन्हें और डर लगता है। तो हम आपसे इतना कहेंगे कि आप कभी भी इनके सामने अपने ऐसे दोस्तों की बात ना किया करें जिससे अपने आप को कम समझें। अगर आप वाकई इनसे प्यार करते हैं तो, समझ रहे हैं, और हमें पता है कि आप इनसे प्यार करते हैं और आप बहुत जल्द इनसे मिलने जाने वाले हैं। आप सोचते भी हैं कि आप इनसे मिलने जाएंगे या फिर इन्हें मिलने बुलाएंगे, लेकिन होता है ना कि आपके जितना मैच्योरिटी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, लेकिन बहुत प्योर पर्सन है ये, बहुत प्योर हार्टेड, लाइक बहुत इनोसेंट टाइप, दिल से सोचने वाला इंसान, दिल से बोलने वाला इंसान। और आपको भी तो मिस्टीरियस लोग पसंद नहीं है, और आपको भी तो मास्टरमाइंड पसंद नहीं है, है ना। आपको भी तो कोई इनोसेंट टाइप इंसान चाहिए था जिसके मन में कोई छल कपट ना हो, दंद फंद ना हो, जो दिल से सोचने वाला हो, दिल से बोलने वाला हो, रेस्पेक्ट करने वाला हो। आपने ही तो मैनिफेस्ट किया ना इन्हें। तो फिर आप प्लीज़, मतलब ऐसा कभी भी इनको शो ऑफ मत करना कि आपके दोस्त जो हैं, आपके जो रिलेटिव हैं या फिर कोई भी, वो इनसे अच्छे हैं, समझ रहे हैं। पता है ये आपको छोटी छोटी खुशियाँ देना चाहते हैं। आप पता, आप इनका ख्वाब हैं, आप इनका ड्रीम हैं, ये समझ लीजिए, आप इनके ड्रीम गर्ल हैं, ड्रीम बॉय हैं, लाइक सपनों की राजकुमारी, सपनों का राजकुमार, हम सब सुनते हैं ना बचपन से ऐसे। तो जैसा इन्हें हम सफ़र चाहिए था ना, वैसे आप हैं, वैसे आप हैं। और आपको पाकर तो ये अपने अंदर कितनी खुशी महसूस करते हैं कि मेरी लाइफ में अब मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे अब और कुछ भी नहीं चाहिए। तो बस आप थोड़ा सा, हमें पता है कि आपका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये नीचा देखें या फिर ऐसा फील करें, हमें पता है, लेकिन वो ऐसा फील होता है, ऐसा होता है उन्हें, तो आप ऐसा ना किया करें, ठीक है। बाकी लुक वाइज ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस इन्हें कमाल का लगता है, आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हो, और आपकी सूझबूझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप इतने टैलेंटेड हैं, आप इतने क्रिएटिव हैं, ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। और ये यही सोचते हैं कि कितना पॉजिटिव इंसान है, लाइफ की हर सिचुएशन में कितना पॉजिटिव सोचता है, कितना सकारात्मक रहता है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये अपनी लाइफ में इतना स्टेबल है, इतना सक्सेसफुल है। और इनको लगता है कि अगर आप इनका साथ देंगे तो ज़रूर आपका हाथ पकड़कर ये भी अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके पैसों से प्यार करते हैं, आपकी पावर पोजीशन से, लेकिन एक होता है ना कि ज़िंदगी में एक जैसे कि चारों तरफ डीमोटिवेट करने वाले लोग हैं कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। ज़िंदगी में कोई ऐसा भी हो जो ये कहे कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई ये कहने वाला हो, कोई हर कदम पर उत्साह बढ़ाने वाला हो, तो आप ऐसे हैं। तो इनको लगता है कि टैलेंट तो इनके अंदर भी है, लेकिन अगर आप इन्हें प्रोत्साहित करेंगे, अगर आप इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो ये ज़रूर अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाएंगे, बहुत सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे, समझ रहे हैं। बाकी
हो सकता है कि आपसे लोग कहते हों कि वो पैसों की वजह से जुड़ी है, पैसों की वजह से जुड़ा है, या फिर कभी मन में आता भी हो तो प्लीज़ आप ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। बस वही होता है कि कुछ कर्मा इधर उधर हो जाते हैं, कि कोई कहीं जन्म ले लेता है, कोई कैसे घर में जन्म लेता है, किसी के पेरेंट्स कैसे होते हैं, किसी के पेरेंट्स कैसे होते हैं, किसी की लाइफ कुछ और होती है, किसी की लाइफ कुछ और होती है, सिर्फ कर्मों के हिसाब से, समझ रहे हैं, बस इतना। बल्कि आप दोनों पास्ट लाइफ में एक दूसरे के हम सफ़र थे और इन फ्यूचर भी आप दोनों एक दूसरे के हम सफ़र बनेंगे। हम सफ़र मतलब ये नहीं होता कि शादी हो जाए तो ही हम साथ साथ चलें, मतलब एक लंबा सफ़र साथ मिलकर तय करें, ऐसा नहीं है। आत्मा से हमेशा एक दूसरे के होकर रहें, इसे भी हम सफ़र बोलते हैं। शरीर का सफ़र बहुत लंबा नहीं होता, आत्मा का सफ़र बहुत लंबा होता है, अनंत जन्मों से लेकर अनंत जन्मों तक, समझ रहे हैं। तो आप इस तरह के हम सफ़र हैं, आप दोनों इस तरह के साथी हैं जो पहले भी साथ थे और आगे भी आप दोनों साथ चलने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप ऐसे इन्हें पॉजिटिव करते रहिए, इन्हें मोटिवेशन देते रहिए और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं। अच्छा, ये भी थोड़ी सी प्लानिंग्स कर रहे हैं आपके पास आने की, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो इनके पास जाने की तो ये भी प्लानिंग्स कर रहे हैं आपके पास आने की, तो प्लीज़ पहले कॉन्टेक्ट कर लेना, मतलब मिलने से पहले कि पता चला आप उधर पहुँच गए और वो उधर पहुँच गए, फिर कोई कहीं ना मिला, फिर दोनों वापस आए, ऐसे मत करना, ठीक है। तो पहले बातचीत कर लेना, क्योंकि इनके अंदर भी प्लानिंग चल रही है और ये अभी थोड़ा सा अपनी फैमिली को लेकर या फिर अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा सा परेशान हैं। हो सकता है कि थोड़ा आसपास नेगेटिविटी हो, तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं ना तो प्लीज़ आप इनकी थोड़ी हीलिंग कर दिया करें। अगर आप इनकी हीलिंग करेंगे ना तो बहुत जल्दी लाइक ये अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, सक्सेस हासिल कर पाएंगे, क्योंकि एक स्टेबल पर्सन, एक स्टेबल माइंड ही, एक फ्रेश माइंड ही लाइफ में कुछ कर पाता है। अगर किसी का माइंड स्टक हो, अगर उसके घर में नेगेटिव लोगों दिन भर चिक 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 करते रहते हों, तो उस इंसान का जो मन होता है ना वो भी उन्हीं चीज़ों में स्टक हो जाता है, वो कुछ सोच नहीं पाता, कुछ नया कर नहीं पाता, ये समझ लीजिए। तो आपके सपोर्ट की, आपके सहारे की, आपके प्रेम की बहुत बहुत इन्हें ज़रूरत है। और ये समझ लो आप कि आप दोनों का कभी भी, एक होता है ना कि बिछोड़ा, मतलब आप दोनों कभी अलग नहीं हो सकते आत्मा से, तो कभी भी नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। और ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा, बस ये सोचते हैं कि अगर आप किसी और की बात ना करें तो अच्छा है, आप किसी से बात ना करें इनके सामने तो अच्छा है। इन्हें जेलसी होती है, बहुत होती है, लेकिन ये शो ऑफ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें ये लगेगा कि अगर इन्होंने कहा कि तुम ये ना करो तो शायद आपको बुरा लग जाए, आप इन्हें छोड़ ना दो, इस वजह से। तो आप समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो काम है, वो आप अपना करो, लेकिन जैसे कि हमें पता चलना चाहिए ना कि सामने वाला इंसान क्या पसंद करता है, क्या पसंद नहीं करता है। तो जो बात हमें अपने लिए बुरी लगती है वो हमें दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको बुरा लगता है कि किसी और से बात करें या किसी और की बात करें, किसी और की तारीफ़ें करें, तो आपको हर्ट होगा ना, आपको बुरा लगेगा ना अंदर से थोड़ा सा। तो आप भी इनके सामने ऐसा मत किया करो, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि शायद, समझ रहे हैं ना आप हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों पर ध्यान दें, ठीक है। बाकी हमने आपको बताया कि उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। वो आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो आपकी तरफ क्यों खींचे चले जा रहे हैं, लेकिन इतना समझिए कि आप दोनों को ईश्वर ने मिलाया है और एंजल्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहती हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर आपको पता है लोगों का काम तो सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साई राम।